Dear students, so today we are going to study about voltage multiplier circuits. Uh, it is a kind of diode applications, that means using diode uh, how we can make voltage ampli uh, multipliers and it comes under uh, engineering domain in electronics engineering KEC 101 201T AKTU syllabus. My name is Hari Mohan Rai, and let us begin the today. प्लस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को डिफाइन करते हैं और फिर कितने टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर है ये देखेंगे और फिर उनके बारे में उनके वर्किंग डिटेल्स को पढ़ेंगे वेरी बेसिक और इजी स्टेप्स में तीसरा मैं इस लेक्चर्स में क्या बताने वाला हूं वोल्टेज मल्टीप्लायर उसकी डेफिनेशन सर्किट डायग्राम्स वर्किंग लिखना कैसे है बहुत ही बेसिक्स में शॉर्ट में एंड क्या के मेन में सर्किट डाइग्राम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और कैसे लिखना सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वोल्टेज मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर सर्किट सर्किट होता क्या है इज वोल्टेज वोल्टेज तो नाम से पता चल रहा है, को मल्टीप्लाई करने वाला लेकिन कौन से वोल्टेज को जो हम इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं उसको मल्टीप्लाई करेगा एंड आउटपुट जनरली डीसी में प्रोड्यूस करेगा दैट मीनस वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट प्रोड्यूसेज ए डीसी आउटपुट वोल्टेज दैट इज सम मल्टीपल ऑफ सम मल्टीपल मतलब अगर आप डबलर बनाएंगे तो टू ट्वाइस मल्टीपल हो जाएगा ट्रिपलर बनाएंगे तो ट्रिपल मल्टीपल हो जाएगा यानी कि सम मल्टीपल ऑफ द पीक ऑफ पीक का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज टू तो द गिवन सर्किट तो दिस सर्किट इज टू तो द गिवन सर्किट और वी कैन कीप इट टिल हियर इटसेल्फ कि आ, पीक एसी वोल्टेज पीक एसी इनपुट वोल्टेज यानी कि व्हाटएवर द पीक इनपुट एसी वोल्टेज है उसके कुछ मल्टीपल को मल्टीप्लाई करेगा ना अब वोल्टेज मल्टीप्लायर बनाते कैसे हैं तो वोल्टेज मल्टीप्लायर बनाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट आर जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सी डी और डीसी व्हाट इज सी डी एंड डी सी इज फॉर कैपेसिटेंस एंड डी इज फॉर डायोड यानी कि इट इज मेनली ऑफ कंसिस्ट टू ओनली डिवाइसेस दैट इज कैपेसिटर एंड डायोड या दैट वी आल्सो यूजिंग

कि will DC voltage, that is twice, कि दो गुना होगा पीक ऑफ एसी वोल्टेज टू द मल्टीप्लाई सर्किट एंड ये डबलर भी दो टाइप के होते हैं हाफ वे वोल्टेज डबलर एंड फुल वे वोल्टेज डबलर ओके सो व्हाट इज हाफ वे वोल्टेज डबलर एंड फुल वे वोल्टेज डबलर हाफ वे वोल्टेज डबलट के केस में दोनों के केस में वोल्टेज डबल होता है लेकिन हाफ वे वोल्टेज के के केस में पहले साइकिल में फर्स्ट साइकिल में वोल्टेज जीरो होता है एंड सेकेंड साइकिल में सेकेंड साइकिल मतलब सेकेंड पॉजिटिव साइकिल सॉरी हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या करते हैं यानी कि अगर मुझे कंप्लीट साइकिल की बात करनी है तो ये हो गई फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल यानी कि पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल ये मिला के कंप्लीट क्या होती है साइकिल होती है एसी के केस में जब भी हम वर्किंग पढ़ेंगे वो तो मतलब पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल का यूज करके पढ़ते हैं डायवोर्ड में जब भी एसी एप्लीकेशन होगा तो हमेशा पॉजिटिव साइकिल साइकिल एंड नेगेटिव का यूज करेंगे क्यों ऐसा करेंगे बिकॉज जो है पॉजिटिव के के लिए के लिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हाफ वे वोल्टेज डबलर जो होता है वो सिर्फ पहले साइकिल में पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट जीरो देता है एंड सेकेंड साइकिल में आउटपुट डबल कर देता है जबकि फुल वेव डबलर में क्या है फर्स्ट साइकिल में वोल्टेज जीरो नहीं मिलेगा यानी कुछ वोल्टेज मिलेगा एंड डबल सेकंड साइकिल में कंप्लीटली डबल कर देगा तो अगर पहले साइकिल में कोई भी आउटपुट ना मिले यानी कि जीरो आउटपुट मिले तो हाफ वे वोल्टेज डबलर और इसका स्टेप्स क्या होगा मैं बता दूं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम ये करेंगे हाफ वे वोल्टेज डबलर सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में एक लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे फिर वर्किंग पढ़ेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल हाफ साइकिल इस तरीके से यही स्टेप्स होगा तो स्टार्ट विद सर्किट डायग्राम ये हमारा सर्किट है इसमें हमने स्टार्टिंग में ये ट्रांसफॉर्मर ले रखा है ट्रांसफॉमर के प्राइमरी में हमने एसी इनपुट लिया है जो मान ले कि वी इनपुट के बराबर है और सेकेंडरी में ये स्टेप डाउन होके वीएम के बराबर हो रहा है ये ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ इतना ही रोल है अगर डायरेक्टली चाहे तो आप यहां से भी बना सकते हैं अगर यह डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट में यानी कि एक बार में एक पॉजिटिव फॉर्ड बैस होगा तो दूसरा रिवर्स बैस होगा एंड दो कैपेसिटर डबलर में दो कैपेसिटर एंड दो यूज हो रहे हैं और आउटपुट जो है हम यहाँ यानी कि सी के क्रॉस ले रहे हैं ओके अब आते हैं इसकी वर्किंग में यानी कि यही ट्रांसफॉर्मर डौ, हमें स्टेप डाउन करने के लिए अरेजमेंट सोन इन द फिगर जैसा कि यहां पे दिखाया गया है और वर्किंग की तरफ आते हैं वर्किंग में जैसे हमने बताया था पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल तो अब आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो ये साइकिल है यानी पूरी कंप्लीट साइकिल जीरो से पाई और पाई से टू पाई ये पूरी साइकिल हो गई तो ये जो पॉजिटिव साइकिल हो गई ये साइकिल इसको मान लेते हैं पहले हम वन बाई वन करके ये करते हैं तो जैसे पॉजिटिव साइकिल को हम की स्टडी पढ़े करेंगे तो पॉजिटिव साइकिल का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस तो जब प्लस हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राउंड लेवल हमारा उसके अपोजिट माइनस हो जाता है तो यहाँ भी प्लस अपीयर होगा और माइनस अपीयर होगा तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल यू कैन सी दैट कि डायोड पहला डायोड d2 जो डायोड हमने दे रखा, इसको दे रखा तो है इसको d1 डायोड दे रखा है तो ये जो d2 डायोड है इसको मान लिए कि आपने ये आ, आ, हमें पता है कि ये डायोड का क्या होता है पॉजिटिव यानी कि पी टाइप और इधर

ओपन कि रिवर्स ये रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया यानी कि ये कंडक्ट कर रहा है और ये नहीं कंडक्ट कर रहा है शॉर्ट एंड ओपन का मतलब ये हुआ इट डज नॉट कंडक्ट और ये कंडक्ट अब इस केस में देख सकते हैं कैपेसिटी सी वन चार्ज होगा बिकॉज ये शॉर्ट हो गया तो करंट सिर्फ इसी सर्किट में फ्लो होगी दूसरा वाला जो लूप है वो ओपन है तो इसलिए करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा और क्योंकि अगर इसमें करंट नहीं पास हो रहा है या कोई वोल्टेज अपियर नहीं हो रहा है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा इस साइकिल में जी तो जो ये हमारी वर्किंग है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे दो लाइन में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखना है हमें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट्स यानी कि कंडक्ट करता है

माइनस से प्लस वी एम और ये क्या हो गया प्लस से माइनस माइनस वी सी वन इज इक्वल टू जीरो पीक वोल्टेज के बराबर चार्ज हो गया कैपेसिटर वन क्लियर है अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे हाफ साइकिल के लिए है ना तो निगेटिव हाफ साइकिल में हम क्या करेंगे सिर्फ वही प्रोसेस जब हम मैं निगेटिव करूंगा तो जस्ट उसके ऑपोजिट यानी कि डी वन मेरा डी टू क्या हो जाएगा लेटेस्ट आई आई शो यू आउट हियर अगर हम बात करें इस यहाँ पे तो जब हम यहाँ पे माइनस कर दूंगा यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया अब सिर्फ ये साइकिल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जब हम ये साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट मी टेक सम अनदर कलर हियर या तो यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ क्या हो गया प्लस तो जब हमने इधर माइनस प्लस किया ये भी हो गया माइनस और प्लस तो यू कैन चेक इट आउट कि ये डायोड जो होगा माइनस और माइनस ये हो गया फॉरवर्ड बायस में और दूसरा डायोड क्या हो गया रिवर्स बायस में जस्ट अपोजिट और क्योंकि ये C1 कैपेसिटर फर्स्ट में चार्ज हो चुका है कितना से चार्ज हुआ है Vm से तो जो चार्ज हो चुका है उसको हम एज इट इज रखेंगे अब सेकंड कैपेसिटी कि ये शॉर्ट हो जाए सेकेंड कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होगा यही चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं सो so, कैपेसिटर C1 ऑलरेडी चार्ज है VC1 जो है C1 इज चार्ज मीन प्लस माइनस VC1 जो कि VM के बराबर है D1 जो है वो अब क्या हो गया? Forward bias हो गया गया यानी कि सर्किट D2 जो हो 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 गया गया वो और 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 इस केस में होगा क्या होगी देखिए ऊपर इधर की तरफ जाएगा प्लस और और इसमें हमें इसकी है कितना से चार्ज हो रहा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे लगा देंगे यानी कि, कि रिवर्स ऑफ हो जाएगा इस फॉरवर्ड बायस यानी कि कंडक्ट करेगा

एक और चीज ध्यान रखना है ये जो पोलैरिटी होगी c1 की वो वही होगी जिससे ये चार्ज हुआ है ओके इसको हमें चेंज नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग दैट इज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड सो vm और vm यानी कि 2vm हो गया और vc2 यानी कि 2c2 की, की वैल्यू कितनी हो गई 2vm के बराबर और हमें पता है कि जो आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा यानी कि आउटपुट आउटपुट वी, आउट्पुट किसके वी टू के बराबर जो कि टू वी के बराबर यानी कि फर्स्ट साइकिल में, में आउटपुट मुझे जीरो मिला और सेकंड साइकिल में आउटपुट मुझे टू वी के मिला इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबल सर्किट ओके okay? ना सो so, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसकी तरफ

यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज से ही हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी इसमें भी दो डायोड एंड दो कैपेसिटर जहां डबलर होगा होगा वहां पे क्या दो कैपेसिटर एंड दो डायोड और लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसे है ये डायोड यहां पे लगा रखा हमने एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर उसके नीचे लेकिन अब ये जो डायोड है सेकेंड वाला वो उसको इस तरीके से लिया गया है कि यहां से कनेक्टेड है और फिर इसके क्रॉस डायोड का डायरेक्शन ये है यानी कि डायोड एंड इस केस में भी हमारी वर्किंग क्या होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड हाफ साइकिल इसमें भी स्टेप वही होगा सर्किट डायग्राम यानी कि हाफ वेव डबलर सर्किट क्या कंसिस्ट करता है टू कैपेसिटर टू डायोड अलोंग विद ट्रांसफॉर्मर अरेंजमेंट सोन इन द फिगर यानी कि अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है आउटपुट हमें किसके क्रॉस मिलेगा सीवन प्लस सी यानी कि C1 जितना से चार्ज होगा C2 जितना से चार्ज होगा दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर मुझे क्या मिलेगा अभी आउटपुट मिलेगा तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल करेंगे यानी कि यहां पे प्लस और माइनस करेंगे तो क्या होगा डायोड D1 ये प्लस की वजह से डायोड D1 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये प्लस देखिए यहां पे अपियर होगा तो डायोड डायोड ये प्लस और माइनस की वजह से क्या हो गया रिवर्स बायस ठीक है और इस केस में क्योंकि ये ओपन हो गया यानी कि ये कंडक्ट uh, नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ करंट इसी सर्किट पहले वाले लूप में फ्लो होगी और कैपेसिटर ये पहला वाला चार्ज होगा वीसी वन इसका नाम देंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वन लेटर सी सेम प्रोसेस लिखने का भी इसका भी सेम प्रोसेस है तो विल डू दैट इन ड्यूरिंग और ड्यूरिंग साइकिल में भी कैपेसिटर सी वन चार्ज होगा और वो कितना से चार्ज होगा पीक वोल्टेज के बराबर वी एम के बराबर से चार्ज होगा इसमें भी आप ऐसे ही केबल लगा के देख सकते हैं कि ये केबल लगाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा वी एम माइनस वी सी वन इजकल टू जीरो सो वी सी वन इज टू वी एम के बराबर और इस केस में अगर आउटपुट मैं लू यहां से यहां के बीच में तो कितना होगा वी सी वन प्लस वी सी टू के बराबर जहां पे कि वी सी वन चार्ज हुआ है वी एम से बट वी सी टू क्या है जीरो है तो आउटपुट कितना हो गया इस केस में यानी कि फर्स्ट जब हम साइकिल लगाते हैं पॉजिटिव साइकिल तो आउटपुट मुझे वी एम के बराबर मिल रहा है जीरो नहीं मिल रहा है यानी कि आउटपुट जो भी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उसी के बराबर मिल रहा है अब आते हैं नेगेटिव साइकिल की तरफ तो इन नेगेटिव साइकिल यू चेक चेक इट आउट हियर इन नेगेटिव साइकिल क्या हो रहा है कि फिर इस साइकिल में यहां पे हमारा हो गया माइनस और ये प्लस है ना ये हो गया माइनस और ये प्लस तो माइनस प्लस की वजह से जस्ट अपोजिट ये डायोड जो इस तरीके से था वो हो जाएगा रिवर्स बायस एंड डी टू हो जाएगा फॉरवर्ड बायस तो जब डायोड डी टू फॉरवर्ड बायस हुआ तो यानी कि अब ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है बीसी वन कैसे चार्ज हुआ ये प्लस और माइनस से अब क्या होगा ये सीट चार्ज होगा कैपेसिटर सी टू चार्ज होगा और उसकी पॉलिटी क्या होगी देखिए ऊपर प्लस और माइनस है तो प्लस जो है वो इस यानी कि ये इस तरीके से है ये प्लस की लाइन ये है तो यहां पे प्लस हो जाएगा और माइनस की लाइन जो है ये है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओके और फिर कितना से चार्ज होगा वो तो क्या करेंगे हम केवीएल लगा के इस देख लेंगे केवीएल में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको रीड्रॉ कर सकते हो यानी कि ये देखिए ये प्लस है इस तरीके से ये कैपेसिटर क्या है प्लस से माइनस यानी कि वी सी टू इसका हमने दे दिया चार्ज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी टू और ये माइनस जो है उसको हम क्या करेंगे नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस यहाँ पे ऐसे और ये क्या है वी एम है और सिंपल सा के भी लग जाएगा इसमें जैसे जिस डायरेक्शन में लगाना चाहे ऐसे लगा दीजिए हमने तो अब क्या है माइनस से प्लस हो गया वी एंड प्लस से माइनस क्या हो गया प्लस वी यानी कि

now dear students in this class we are going to study about voltage tripler and quadrupler circuit this is one of the most important topic of unit number one in electronics basic electronics engineering and that's why we always put it star marks that is मोस्ट ऑफ द केसेस लॉन्ग मार्क्स में यही क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा पूछा जाता है कि वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रोप्लर वाई आई है सिंगल सर्किट बिकॉज ट्रिपलर एंड क्वार्रोपलर में से कोई एक ही एक बार पूछा जाता है या तो आपसे ट्रिपलर पूछेगा या क्वाड्रोपर पूछेगा लेकिन दोनों के सर्किट बिल्कुल सिमिलर है वर्किंग भी बिल्कुल सिमिलर है सो दी आर गोइंग टू स्टडी इन ए ज ट्रिपलर tripler. तो ट्रिपलर का मतलब क्या हो गया तीन गुना करने वाला तो जैसे ही ट्रिपलर आया इसका मतलब तीन कैपेसिटर एंड तीन डाउन अरे लोग तो ये वाला पोर्शन ट्रांसफॉर्मर हो गया जो सब में हम लोग लगाते आए हैं क्या करता, ये? Step down करता है और यहां पर सेकेंडरी में वोल्टेज वीएम प्रोड्यूस करता है कि ये voltage, यहां से हमारी वर्किंग शुरू होगी अरेजमेंट क्या हो गया एक कैपेसिटर बिल्कुल बहुत ही सिंपल है एक कैपेसिटर और एक डायोड और यही प्रोसेस अब रिपीट होते जाएगी यानी कि यहाँ पे फिर हम लगा दिया दूसरा कैपेसिटर और डायोड का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स d2 d2 डायोड फिर जस्ट ये तीसरा कैपेसिटर c3 एंड डायोड d3 अगर आपसे ट्रिप्लर पूछे तो सिर्फ यही तक आपको डायग्राम ड्रा करना है ये डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है किस केस में ट्रिप्लर के लिए और फिर इसके सर्किट के बारे में हम लिखेंगे वोल्टेज सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री थ्री कैपेसिटर एंड एंड डायोड्स आउटपुट जितना चार्ज होगा सी वन एंड जो कैपेसिटर उसके बराबर अगर ट्रिपलर आए तो यही स्टेटमेंट लिखना है लेकिन अगर क्वाड्रप्लर आपसे पूछे तो फिर ये नहीं लिखना हमें यानी कि हमें क्या करना है इसको आगे सेम सर्किट को आगे बढ़ा देना है यानी कि ये यह पे कैपेसिटर एक और यूज कर देंगे जस्ट इसके में और फिर डायोड भी इसके हो जाने कि, तो में क्या करेंगे हम फोर कैपेसिटर एंड फोर ओके नाउ यू कैन सी दैटलर का आउटपुट हम ले रहे हैं C1, कि यहां से ये और यहां के बीच में

अभी हमने वर्किंग में देखा था कि जब हम ए इनपुट देते हैं इस तरीके से तो हम क्या करते हैं एक पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं एंड नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं लेकिन अगर हम ट्रिप्लर की बात करें तो क्योंकि तीन कैपेसिटर एंड तीन तीन डायोड है तो कैपेसिटर चार्ज होगा वन बाय वन तो इसका मतलब है इसको तीन साइकिल लगेंगे तीन हाफ साइकिल यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल फर्स्ट निगेटिव साइकिल एंड सेकेंड पॉजिटिव साइकिल और जब हम क्वार्रप्लर की बात करेंगे क्वार साइकिल में तो हमें फोर हाफ साइकिल लगेंगे यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर वन चार्ज होगा एंड सेकेंड निगेटिव साइकिल में कपिसोर चार्ज होगा कैसे वो हम देखते हैं आगे के वर्किंग डायग्राम सो सी अब यहाँ पे भी जैसे बताया था मैंने आप लोगों को सबसे पहले सर्किट उसके बारे में लिखना है फिर आना है पॉजिटिव साइकिल से तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल

और दूसरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ओपन सर्किट तो क्योंकि ये पहला हो गया, जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल का तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही डायग्राम बनाएंगे आगे हमें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उसी तरीके से जब हम निगेटिव साइकिल में जाएंगे तो पहला वाला पहला ये क्या हो जाएगा फर्स्ट जो हमारा uh, डा, डायोड है वो ओपन हो जाएगा एंड सेकेंड डायोड शॉर्ट हो जाएगा सेकंड वाला डायोड देख सकते हैं डायोड जो सेकेंड होगा यानी कि जब मैं यहाँ पे निगेटिव कर दू इस तरीके से जस्ट सेकेंड अगर आपने यहाँ पे निगेटिव ले लिया ये और ये प्लस ले लिया तो निगेटिव की वजह से डायोड क्या हो जाएगा ये प्लस एंड माइनस निगेटिव की वजह से ये हो गया रिवर्स बयास और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट यानी कि फॉरवर्ड बयास अब इसकी वजह से क्या होगा ये सेकेंड कैपेसिटर चार्ज होगा यानी कि ये इसमें करंट की फ्लो होगी अब आगे की तरफ करंट ड्रॉ नहीं जा नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी ये जो होगा हमारा फिर ओपन हो जाएगा यानी कि सारा का सारा करंट जो है इसी लूप में फ्लो हो जाएगा तो इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे सो लेट अस सी सो

अब अगर आते हैं सेकंड नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव साइकिल में सॉरी तो फर्स्ट नेगेटिव साइकिल में अब क्या होगा इन फर्स्ट नेगेटिव साइकिल यू कैन सी दैट अब यहां पे ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ प्लस और इसकी वजह से ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है तो इसकी पॉलिटी चेंज नहीं होगी ये चार्ज ये बैटरी की तरफ बिहेव कर रहा है और अब डायोड डी जो था कुछ इस तरीके से डायोड डी वन ये प्लस और माइनस तो अभी क्या हो गया रिवर्स एंड डायोड डी टू क्या हो गया क्यों, D2 का था इस तरीके से तो करेंट का फ्लो हम मान लेते हैं ऐसे होगा प्लस की तरफ तो अब कैपेसिटर सी टू में पोलिटी क्या हो जाएगी नीचे की इधर प्लस और इधर माइनस तो जस्ट यही चीज रिपीट करनी हमें ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल डायोडी टू विल बी इन बायस एंड विल कंडक्ट

Uh, C3 will charge and D3 will be in reverse bias, uh, sorry, sure, forward bias. And here D1 and D2 will be in forward bias. Now the confusion uh, gets out here. This is positive and negative. it means positive cycle? Plus and minus.

तो हमने क्या किया यहाँ पे यहाँ पे सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने पिछली बार ये इसमें किया था कि पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव साइकिल जब हमने किया तो कैपेसिटर डायोड डायोडी रिवर्स टू रिवर्स सिर्फ डी थ्री हो गया बैस में तो यही हमने लिखा यहाँ पेड पॉजिटिव साइकिल में डायोड डी थ्री विल बी इन फोर्ट बयास एंड इट विल कंडक्ट ओनली डायव डी थ्री एंड क्या होगा कैपेसिटर हो C3 C3 विल गेट चार्ज चार्ज थ्रू डायोड D3 एंड अक्रॉस इज गिवन बाय द केवीएल और ये केवी हमने क्या लिखा यहां पे देखिए ये प्लस से माइनस क्या हो जाएगा तो कर दिया इसके बाद इस डायरेक्स में चल तरीके से इस तो अब ये प्लस से माइनस माइनस वी वन, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस माइनस वी एंड फिर माइनस से प्लस वी बाकी ये दोनों ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं ये वी से चार्ज हुआ ये टू वी से चार्ज हुआ है हमें निकालना है ये सी का चार्ज क्या होगा तो वी की वैल्यू

ओके okay. सो so, अब ये हमारा ट्रिपलर यहीं पे खत्म यानी कि अगर ट्रिपलर पूछेगा तो यही आपका आउटपुट होगा द द द द आउटपुट ऑफ ऑफ सर्किट इज टेकन अक्रॉस बॉटम सॉरी बॉटम यहां पे नहीं होगा टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग अक्रॉस कैपेसिटर C1 वन एंड सी थ्री अक्रॉस कैपेसिटर सी वन एंड सी थ्री दैट इज वी आउटपुट इज कल टू वी सी वन प्लस VC3, VC1 कितना से चार्ज है VM से और ये 2 VM से, so we are put equal to 3 VM. तो ट्रिपलर अगर पूछा तो यहाँ पे ट्रिपलर आपका हो गया कंप्लीट लेकिन अगर आपसे क्वार्टर पर पूछता है तो इस स्टेप को आपको नहीं लिखना है दिस वन एंड क्या करना है अब आ जाना है डायरेक्टली सेकेंड नेगेटिव साइकिल पे तो ड्यूरिंग सेकेंड नेगेटिव साइकिल क्या होगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी तीनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं सी वन सी ओके अब क्या होगा सी चार्ज होगा और डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में

अप्लाई केबीएल इन एनी डायरेक्शन यहां से हमने ले रखा है यहां पे तो माइनस प्लस वी को हमने प्लस वी रखा फिर प्लस से माइनस क्या हो जाएगा माइनस वी प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस वी फिर इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस वी थ्री एंड माइनस से प्लस प्लस वी वन सो वी और वी और वी ये वी और वी दोनों

तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है अगर आपको KCL या KVL में दिक्कत है तो आप क्या करना सिंपली डायरेक्ट लिखते जाना ये इस, इस स्टेप में इज गिवन नी एम यानी कि कैपेसिटर्स चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इज नथिंग बट यानी कि डायरेक्टली आप ये वैल्यू लिखते जाइएगा आपको सब पता है इसको देख के कि C1 जो है वो वीएम से चार्ज होगा और बाकी सारे टू वी से चार्ज होंगे तो अगर आपको केवीएल में दिक्कत है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो है वो आप उसकी कितना से चार्ज हुआ वो वोल्टेज यहां पे रख सकते हैं और यहाँ पे so से बड़ा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूर आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलमोस्ट हर ईयर आता है तो प्लीज गो थ्रू इट इन केस ऑफ एनी डाउट एनी क्यूरीज प्लीज मेल मी आउट ऑलरेडी Uh, mail me or you can message me comment to me i have just given my email address over here thank you everyone thank you for patience caring